जनपद जालौन के कुंडो के गांव में लोग किल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा ग्रामों के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन गांव की अगर स्थिति देखी जाए तो बदतर दिखाई दे रही है। जबकि प्रधान के खातों में आवास से लेकर सड़क, शौचालय, कायाकल्प, सारी योजनाओं के लिए मानदेय दिया जाता है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है, जबकि ग्रामीणों की हालत देखी जाए तो बद से बदतर दिखाई दे रही है। जब मीडिया का कैमरा कुंडो गांव में पहुंचा तो उसने गांव की दास्तान देखी। स्कूल से होते हुए गुजरते हैं लोग तो दलदल से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि सड़क पर खडंजा पड़ा हुआ है जिस पर इतनी गंदगी और पानी दलदल है, जहां से लोगों को निकलने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। ऐसे गांव को क्या कहेंगे या इस गांव को क्या नाम दें, या कहें कि एक ऐसा अभागा गांव कुंडो है जहां पर प्रधान के द्वारा कोई भी विकास नहीं किया गया है। अगर किया भी गया है तो उसमें भ्रष्टाचार, धांधली करते हुए नजर आए, जबकि ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं प्रधान के ऊपर की आवास अगर वह देते हैं तो 20,000 रुपए की मांग करते हैं, वह शौचालय के लिए 2,000 रुपए मांगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजी रोटी के लिए हम दिहाड़ी मजदूरी करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, ऐसे में प्रधान को 20,000 रुपए कहां से दे पाएंगे। जबकि प्रधान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ग्राम में विकास करवाया है, हर पात्र को आवास दिया है। लेकिन जब ग्राम कुंडो में मीडिया का कैमरा पहुंचा तो लोगों ने रो रोकर अपनी दास्तान सुनाई, कहा कि प्रधान हमारी सुनता ही नहीं है, अगर सुनता भी है तो 1,000 रुपए की मांग करते हैं, आखिर इस पर और इस भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं लगती है लगाम, क्या प्रशासन है मजबूर, क्या प्रधान के द्वारा उच्च अधिकारियों को दिए जाते हैं पैसे जिस वजह से नहीं होती है कार्रवाई। वही कोटेदार की बात करें तो ग्रामीणों ने उन पर भी आरोप लगाए, कहा कि कोटेदार नहीं देता, पूरा राशन एक यूनिट का काट के देते हैं राशन, अगर उनसे पूरा राशन मांगने की बात करें तो अभद्रता तरीके से पेश आते हैं कोटेदार। एक है, अरे भाई लड़का एक है। कहाँ रहते हैं वो? वो घर ही है। अच्छा, क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते। क्यों, मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं बना आपका? नहीं बने। अच्छा, हाँ नहीं बना, काम नहीं मिला आप लोगों? नहीं मिलो। क्या कहते हैं प्रधान, क्यों नहीं करवाते काम आपसे? जब प्रधान कहते हैं हमारे जन भाई नहीं है, बचते ही नहीं, हम क्या कराएं? अच्छा, हाँ ठीक। आधे मोई दे दें, आधे बजाय के अच्छी नहीं बनवाए ना भाई, पैसा होता तो हम ऐसे बने रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमाओ हाँ। बहुत बड़ा नाम है, कछु नहीं हमाओ नाम, नाम बुलंद। कौन से गाँव से है? कुंडाऊ। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या बहुत कठिन है साहब, देखो हमारे घर जोड़ा रहो, हम गरीब आदमी, हम तो मरे भूखन। अच्छा, हमें को दे रहा खेब साहब। अच्छा, शौचालय वगैरह आपको मिले या नहीं मिले? पर की साहब पैसा नहीं दिए गए आपको? एक चेक दाई। कितने की चेक दी गई आपको? 6,000 की। अच्छा, हाँ अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं करवाया? 6,000 में का लेते। अच्छा, दूसरी चेक आपकी कहाँ है? है ही नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं वो जब मांगने जाती हैं आप? कहते हैं हाउ डाल दे। अच्छा, अभी तक नहीं डाले गए? नहीं। आवास के लिए क्या है व्यवस्था? कछु नहीं है। कहाँ आप रह रही, कहाँ गुजर बसर? कुंडो में रह रहे, कुंडो में गुजर कर रहे, हार खेत में जा रहे। क्या नाम है आपका? राधा देवी। कौन से ग्राम से हैं आप? कुंडो। क्या है आपकी समस्या? हमें यह समस्या, हमारा घर गिर रहा है, हमें कच्ची छत डारी कम बैठे नहीं, हमें आवास मिलो चाहिए बस, और कछु समस्या नहीं है। अच्छा, आवास के लिए आपने प्रधान से कहा है? खूब कहो है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं दिवाएंगे दिवाएंगे, दिवाते नहीं है। अच्छा, हाँ। आपके पति कब एक्सपायर हो गए थे? 10 साल हो ही गए। अच्छा, पाँच साल शादी के भाई थे हमारे। पेंसिल तो मिल ही रही होगी आपको? पेंसिल तो मिला थी। अच्छा, फिर आप कॉलोनी बनी 2 साल भाई जाते? अच्छा, हाँ इन 18,000 खा ले पैसा हमारे। किन्ने? प्रधान ने, पंडा ने। अच्छा, हाँ क्या कहते थे वो? ये कहते कहते कि 12,000 एक खा गए और मजदूरी के कहे 17,000 तुम खा गए। अच्छा, 12,000 घर ही से ले गए। अच्छा अच्छा, तो कॉलोनी के नाम पर रुपए ले गए वो आपसे? कॉलोनी के नाम पर ले रहे। अच्छा, नाम है आपका? रानू। पिताजी का क्या नाम है? जसमान। क्या मामला है पूरा, क्या समस्या है आपकी? 20,000 रुपया मांग रहा था, मैं बेउदेन का है कि 5 दिन में सुबह थे, जब बरसात हुआ तो छाता लगा कर बैठा था, मोइन के लाने एक ही मड़ैया है, मैं केवल बस गई। अच्छा, बस एक ही मड़ैया है, देख ले आप अंदर चल कर देख ले। किसे किसे 20,000 रुपया देना चाह रहे थे आप? प्रधान से बात भाई, सच्चे बच्चे समझ नहीं भाई बात। अच्छा, प्रधान से क्या बात हुई थी आपकी? हमने कही हम प्रधान जी, हम जो कुछ खर्चा पानी मांगो बोले 20,000 लगा, हम 20,000 दें, लेकिन तुम कम से कम हमने 5 रुपए में कराए दे, मुर्गा ही 6 रुपए में कटवा के देसी दाओ तो हम ही ले, लेकिन तुम कराओ हमारी। अच्छा, क्या
किस लिए आपने दिए थे? हम साहब जहाँ से आए थे अनिल साहब हमारी हो जाए। अच्छा, गरीब आदमी हम पक्का दारो देख लिया आप अंदर चले। क्या हो जाए क्या? कॉलोनी। अच्छा, कॉलोनी के लिए आपने पैसे दिए थे? पैसे नहीं, हमने बोले थे अनिल साहब अगर करवाए तो हमने खर्चा पानी जो बताओ समझे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? माया देवी। पति का क्या नाम था? दिनेश। कौन से गांव से हैं आप? कुंडम। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या जाए ये सब क्यों मौसम ने से बच्चे लाए डरे ये क्या करे। अच्छा हाँ, रड़ी को है मैं बनाऊ को करे। अच्छा हाँ, तो आपको अभी तक प्रधान द्वारा शौचालय या आवास नहीं दिए? नहीं नहीं मिली है। क्या कहते हैं वो, क्यों नहीं? जा कहत के आई नहीं है, कहाँ से तुम्हें दे दी। अच्छा हाँ, आपने कहा नहीं उनसे? उनसे हम कहा था सो दाम मांगा सब, हम क्या करे। दाम क्या चीज होती है? दाम क्या चीज, रुपया मांगती है। कितने? 2000 4000। अच्छा, कौन हाँ। कौन मांगते हैं? प्रधान और प्रधान ही से सब बात और तुम किसी से कजी नहीं। प्रधान से जोड़ चलता है मेरा। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम राजेश पंडा। ठीक है, भावपुरा। ठीक ठीक, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। पिताजी का क्या नाम है? श्री बद्दी प्रसाद। कौन से गांव से हैं? कुंडव। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या का सब डरी है जी में दे रहे। अच्छा, और रुपया रुपया सब मांग रहा है, अब जो रुपया हम तो जेवन को तो बनवा ही लेते। अच्छा, और कितने रुपए कौन मांग रहा है? अब सब जने मांगा थे, सचबो मांगा थे, बेहू प्रधान मांगा थे, सब जने कहा थे। किस लिए मांगते हैं वो? जब कहा था हमें कॉलोनी तभी जमा जब तो पैसा आप दे दी। अच्छा, कितने पैसे मांगते हैं वो? 20,000 रुपया का कहा था दे। तो आप इसी में गुजर बसर कर रहे हैं टूटे फूटे घर में? टूटे फूटे घर में बसर कर रहे हैं। अच्छा, कॉलोनी के लिए कहा तो क्या कहते हैं? रुपए दे तो कॉलोनी हम तुम्हारी मंजूर कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, दो महीना में आओ। क्या नाम है आपका? सदा बिहारी नाव है। कौन सा गांव में है आप? कुंडव। यहाँ सफाई कर्मी नहीं आता, इतनी गंदगी फैली पड़ी हुई है। तुम्हारे सामने देख ले। आता नहीं है ना? देख ले, हम कह रहे सामने देख ले। अच्छा, तो आपने प्रधान से नहीं कहा इस बात के लिए? प्रधान नहीं सुना। क्या कहा था? जा कर के हम क्या करे, कौन नाली ले जाए। अच्छा हाँ, कौन ले जाए नाली का। और भी कोई समस्या आपको? आवास कॉलोनी कॉलोनी नहीं मिली हमें, पैसा ले गए। बार कितने ले गए? 2000 ले गए आपसे। हाँ, किस नाम पे, किस लिए ले गए? गोपाल। किस लिए ले गए? कॉलोनी कॉलोनी के लाने। अच्छा, शौचालय? शौचालय तो दे रहे। अच्छा, 2000 लाए बाबू। हाँ, बार नहीं मिल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश वाल्मीकि कुंडव। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, ना तो कॉलोनी हाँ। ना काम है नरेगा को। हाँ। ओ, पैसा तो मांगता ही है। कितने पैसा मांगते हैं वो? 20,000। सच्चे 20,000 मांग रहा हूँ कॉलोनी काय के लिए मांग रहा है? कॉलोनी दे तो 20,000 दे तो दे। अच्छा हाँ, इस बात की सूचना आपने उच्च अधिकारियों को दी है? पढ़े लिखे है नहीं है सब, कौन दे मैं कौन से लिखवा मैं। अच्छा, प्रधान से नहीं कहा कि सचिव? प्रधान से कहा होना, दारू पीबे से फुर्सत नहीं है। अच्छा हाँ, विकास क्या क्या हुआ आपके गांव में? कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में, कछु नहीं बहुत। अच्छा, ओ, ना खंजरा गिरे, ना नाली भाई, ना तला खुदे, ना कोनू वो कुछ नहीं बहुत टोटल। आप कहाँ से आ रहे हो? ये फोड़ा लिए फोड़ा ले गए साहब, मजूरी करके आ रहे हैं अपने गाँव की मजूरी। कहाँ, मनरेगा पे गए थे? ना मनरेगा पे नहीं, किसान की मजूरी करके पेट पाल रहे। अच्छा, मनरेगा का कर नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, नरेगा का काम नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, कब से नहीं हुआ कार? हमें तो नहीं दिखा रहा हूँ, 6 महीना से। अच्छा अच्छा, तो कार के लिए आपने बोला नहीं है? खूब बोले, कोई नहीं सुना साहब।